हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हम लोग आज क्लास 11 का फिज़िक्स का स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, जहां पर हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ स्टडी करने वाले हैं। और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ जिससे हर बच्चा घबराता है। अगर वो बच्चा फिज़िक्स पढ़ने में इंटरेस्टेड है तब भी उसे इस चीज़ से डर लगता है, बायो का बच्चा है तब तो वो सबसे ज़्यादा घबराता है। और वो सब्जेक्ट है क्या? वो सब्जेक्ट है फिज़िक्स। नो, वो सब्जेक्ट है फिज़िक्स के अंदर मैथमेटिक्स। ठीक है, फिज़िक्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया जहाँ पर कि ये समझ लीजिए हमने हर एक चीज़ जो अपने सराउंडिंग में पढ़नी है, ठीक है, स्टडी करनी है, वो सारी चीज़ों को कैसे हम लोग, ठीक है, कंपेयर करेंगे, कैसे हम लोग उन्हें मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, ये है। तो यहाँ पे जो टर्म आई ना मैथमेटिक्स, यहाँ पे ये जो मैथमेटिकल वाला टर्म आया ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये समझ लीजिए फिज़िक्स को ड्राइव करने के लिए, फिज़िक्स को ड्राइव करने के लिए जिस सब्जेक्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो है मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स इस सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा डर लगता है बायो के बच्चों को, क्योंकि बायो के बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उन्होंने मैथ्स 10th क्लास तक पढ़ी होती है और एकदम से 11th में जब आते हैं तो उनको क्या होता है कि उन्होंने जब बायो ऑप्ट की होती है तो उन्हें ये लगता है कि उन्हें कभी मैथ्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनके मैथ्स के कॉन्सेप्ट वीक थे। ठीक, और जैसे ही वो 11th में आते हैं वो मैथ्स का बहुत ज़्यादा यूज़ देखते हैं, वो 12th में बहुत ज़्यादा यूज़ देखते हैं, तो उन्हें ये लगता है अरे यार मैथ्स तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। तो वो जो डर है, वो जो दिमाग में आपके टेंशन रहती है ना, मैथ्स 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 कैसे हम फिज़िक्स को सॉल्व करेंगे बिना मैथ्स के, तो बच्चों फिज़िक्स को बिना मैथ्स के तो सॉल्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि फिज़िक्स की बेस ही मैथ्स है। फिज़िक्स में हम लोग थ्योरी तो सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिससे हम लोग फिज़िक्स को प्रूव करते हैं, उसके लिए हमें मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर मैथ्स बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो हमें मैथ्स का पता होना चाहिए। तो क्लास 11th की फिज़िक्स को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ मैथ्स के बेसिक टूल्स पढ़ेंगे, जिसे हम लोग कवर करेंगे मैथ्स के फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 0 में। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, चैप्टर 0 कहेंगे, क्योंकि ये मैथ्स से पहले, मतलब जो फिज़िक्स है, फिज़िक्स से पहले हम लोग इसको स्टडी करने जा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इसको चैप्टर नंबर 0 कहेंगे। और यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे कि कितनी मैथ्स हमें एटलीस्ट आनी चाहिए, कितनी मैथ्स हमें एटलीस्ट आनी चाहिए कि हम लोग क्या कर सकें, हम लोग आसानी से फिज़िक्स में आने वाली जो प्रॉब्लम्स है जहाँ पे मैथ्स का यूज़ होना है वो ईज़िली सॉल्व कर पाएँ। तो देखिए यहाँ पर जब भी हम लोग बात करेंगे मैथ्स की, ठीक है, तो मैथ्स को स्टडी करने के लिए यहाँ पे हमारे पास ये पूरी की पूरा जो कंसेप्ट है मैथ्स का, उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ये जो मैथमेटिकल टूल है, ठीक है, यहाँ पर फिज़िक्स में जो जो चीज़ें यूज़ होंगी मैथ्स से रिलेटेड, उनको हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या यूज़ होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, है ना, सबसे पहले हमें किसके बारे में पता होना चाहिए, फंक्शंस क्या होते हैं। अगर हमें ये पता है कि फंक्शंस क्या होते हैं तो हो सकता है कि हम और भी चीज़ें आसानी से समझ जाएं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है फंक्शन, और अगर हम फंक्शंस को समझ गए तो बच्चों हमें ग्राफ को भी समझना आना चाहिए। किसको समझना आना चाहिए? ग्राफ्स को। अगर ग्राफ्स थोड़ा बहुत हमें नॉलेज हो गई तो फिर क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ इक्वेशंस आती हैं। सपोज़ करो हमने स्टडी किया है लीनियर इक्वेशंस को, हमने स्टडी किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, ठीक है, तो ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, जहाँ पर हम लोग एक्स की वैल्यू निकालते थे क्लास 9th में 10th में, है ना। तो क्या होती हैं ये, ठीक है, इनको कैसे सॉल्व करते हैं और कितनी पावर तक वाली जो वैल्यूज़ हैं वो फिज़िक्स में आपके ज़रूरी हैं आपको आना स्टडी करना। ठीक है, तो एटलीस्ट हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को तो सॉल्व करना आना ही चाहिए। ठीक है, तो वो किस में हम लोग स्टडी करेंगे, तो उसको कहते हैं एलजेब्रा। ठीक है, ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, बस हमें इनका एक ओवरव्यू लेना है कि ये है क्या,
क्योंकि अगर हम लोगों को ग्राफ को स्टडी करना नहीं आता, ग्राफ की इम्पोर्टेंस नहीं पता है, तो हम लोग फिजिक्स में जहाँ जहाँ पर भी हमें ग्राफ ड्रॉ करने होंगे ना, हमें वो ग्राफ को रीड करना नहीं आएगा। या सपोज़ करो हमें ग्राफ दिया हुआ है तो हम वैल्यू नहीं फाइंड कर पाएंगे, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर ग्राफ के बाद हम लोग एलजेब्रा को कर रहे हैं। एलजेब्रा के बाद जो चीज़ आती है वो है डिफरेंशिएशन। अब कोई बच्चा अगर मैथ्स का है और क्लास 11th में जैसे ही फिजिक्स स्टार्ट करेगा, तब तो उसे, क्योंकि उसने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, उसने थोड़ा बहुत फंक्शंस के बारे में स्टडी किया होगा, थोड़ा बहुत ग्राफ के बारे में भी जानता होगा, एलजेब्रा के बारे में भी जानता होगा, लेकिन डिफरेंशिएशन ये तो नहीं पता होगा, है ना। किसी से कहा जाए इंटीग्रेशन तो उसे इंटीग्रेशन के बारे में भी नहीं पता होगा, किसी से कहा जाए लोगार्थम, लोगार्थम उसे लोगार्थम के बारे में नहीं पता होगा। तो बच्चों जो आपको पता होगा वो चीज़ें हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, ग्राफ क्या होता है, एलजेब्रा क्या होता है। जो नहीं पता होगा वो होगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एंड लोगार्थम। ठीक है, कि कैसे ये फिजिक्स में यूज़ होंगे, इनको भी स्टडी करना है हमें। तो बायो वालों को तो ये सब कुछ स्टडी करना है, क्योंकि उनकी मैथ्स वीक है तभी वो बायो के लिए जो है जा रहे हैं, ये सोचना होता है। ठीक है, कि सर मेरी वीक है बायो, मैथ्स वीक है इसलिए हम बायो ऑप्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं मैथ्स नहीं कर पाऊंगी या मैथ्स नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मैथ्स में कुछ भी नहीं है, बस आपको इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और अभी देखिएगा, आपने बायो लिया है लेकिन फिर भी आप फिजिक्स में मैथ्स बहुत सारी यूज़ करोगे, और ये यही सब चीज़ें हैं जो यूज़ होंगी। ठीक है, तो बस ये अगर आप स्टडी कर लोगे तो बायो वालों के लिए सारी चीज़ें सॉल्व कर पाना इजी होगा, कोई शॉर्टकट या कुछ रट्टाफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़नी है। और अगर हम लोग बात करें मैथ्स वाले बैकग्राउंड की, जो मैथ्स ले रखे हैं, जिन्होंने पीसीएम ऑप्ट किया है, उनके लिए क्या है, तो उनके लिए ये है कि उन्होंने ये तो पढ़ रखा है लेकिन ये चीज़ें वो बाद में पढ़ेंगे, तो वो बाद में पढ़ेंगे तो हम पहले फिजिक्स में कैसे यूज़ कर पाएंगे। तो उसके लिए ही हमें स्टडी करना होता है अपना चैप्टर नंबर 0, जो कि है मैथमेटिकल टूल। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इस हाफ पोर्शन को। ठीक है, जहाँ पे हम लोग फंक्शंस क्या होते हैं, ग्राफ कौन कौन से हमें यहाँ स्टडी करने हैं, और एलजेब्रा, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज बात करते हैं फंक्शंस के बारे में। चलिए तो बात करते हैं फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फंक्शन, क्योंकि हमें किसी भी दो वेरिएबल क्वांटिटीज, देखिए दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, या तो क्वांटिटी कैसी होगी, अगर हम लोग क्वांटिटी की बात करें, अगर हम लोग क्वांटिटी की बात करें तो वो क्वांटिटी या तो कांस्टेंट हो सकती है या तो वो क्वांटिटी वेरिएबल हो सकती है। या तो क्वांटिटी कांस्टेंट हो सकती है या फिर वो क्वांटिटी वेरिएबल हो सकती है। तो कांस्टेंट क्वांटिटी की तो वैल्यू हमें पता है, बट वेरिएबल क्वांटिटीज़ कैसे आपस में रिलेटेड होती हैं, क्या वैल्यू होगी उनकी, कैसे वो डिपेंडेंट होंगी एक दूसरे पे, उसको स्टडी करने के लिए, उसका रिलेशन बताने के लिए ही फंक्शंस को स्टडी करना पड़ता है। सपोज हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, वी हैव टू वेरिएबल, सपोज वी हैव वन वेरिएबल इज एक्स एंड द अदर इज, वन वेरिएबल इज वाई एंड द अदर इज एक्स। ठीक है, एक वेरिएबल हमारे पास क्या है, वाई है, और दूसरा वेरिएबल हमारे पास क्या है, एक्स है। ठीक, अब हम क्या करें, इनको कैसे आपस में रिलेट करें, कि अगर हम, ठीक है, एक्स में कुछ वैल्यू पुट करें तो हमें वाई भी मिलता रहे हमेशा। ठीक है, सपोज करो, सपोज करो एक्स है, एक्स की पावर 2 है, ठीक है, एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 2 है, यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू डाली 1। अगर एक्स की वैल्यू हम 1 डाल रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर और वाई भी मिला 1। ठीक है,
अगर हम लोग x की वैल्यू 2 डाल रहे हैं तो 2 का स्क्वायर 4, y की वैल्यू क्या हो गई 4। अगर हम लोग x की वैल्यू 3 डाल रहे हैं तो 3 का स्क्वायर 9, तो y की वैल्यू क्या हो गई 9। दैट मीन्स कि हमारी x की वैल्यू जो है, ठीक है, x की वैल्यू जैसे जैसे हम लोग पुट करते जा रहे हैं हमें y की वैल्यू मिलती जा रही है, यानी y क्या है, डिपेंड कर रहा है किस पे, x पे, x की वैल्यू पे, x में क्या इनपुट दिया जा रहा है उसके रिस्पेक्ट में हमें आउटपुट मिल रहा है। तो इसी ये जो x है, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया इनडिपेंडेंट वेरिएबल, इनडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, x क्या हो गया हमारा इनडिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन x पे डिपेंड कर रहा है कोई, x तो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना, लेकिन x पे कोई डिपेंड कर रहा है और वो कौन है, y, तो y क्या हो गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या हो गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां पर देखो ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिलेट करने का, रिलेशनशिप डेवलप करने का, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप डेवलप करने वाला जो रूल है उसी को ही हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर इसी को हम लोग लिखना चाहें तो क्या है, रूल, रूल, ठीक है, रूल फॉर डेवलपिंग, ठीक है, रूल फॉर डेवलपिंग रिलेशनशिप, रूल फॉर डेवलपिंग रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है, और वो वेरिएबल्स कैसे होने चाहिए, एक होना चाहिए इंडिपेंडेंट और एक होना चाहिए डिपेंडेंट, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ये जो है वेरिएबल्स, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इनके बीच में रिलेशनशिप डेवलप करने वाले रूल को, इनके बीच में रिलेशनशिप बताने वाले रूल को ही हम क्या कहते हैं, फंक्शन। तो रूल फॉर डेवलपिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज नोन एज फंक्शन, इज नोन एज फंक्शन, याद रखना, ठीक है, कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब कहने का ये हो गया कि अगर सपोज करो हमने स्विच ऑन किया, लाइट जलने लग गई, स्विच ऑफ किया, लाइट बंद हो गई, तो ये ऑन ऑफ करना क्या है, ये ऑन ऑफ करना किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन ऑन ऑफ करने पे लाइट का जलना बुझना, ठीक है, वो डिपेंड कर रहा है। दैट मीन्स कि ये ऑन ऑफ क्या है, ये हमारा इनपुट है, और जो डिपेंड कर रहा है कौन, लाइट का जलना बुझना, वो है डिपेंडेंट, ठीक है, इनडिपेंडेंट पे डिपेंड करना, इनके बीच में रिलेशनशिप बताने वाला रूल जो है वही कहलाता है फंक्शन। बात समझ में आई, ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमें यहाँ से समझ में आया कि जिस चीज़ की वैल्यू, जिस वेरिएबल की वैल्यू पुट कर रहे हैं वो है हमारा इंडिपेंडेंट, और उसकी वैल्यू पुट करने पे जो रिजल्ट मिल रहा है, जो आउटपुट मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, डिपेंडेंट, दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट। सपोज करो हमारे पास ये वाई है, ठीक है, वाई है, यहाँ पे हमारे पास एक्स है और एक्स प्लस फाइव लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ अगर पुट करेंगे तो y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी। x की वैल्यू अगर हम लोग 10 पुट कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग x की वैल्यू 10 पुट कर रहे हैं तो 10 प्लस 5 यानी y की वैल्यू क्या हो गई, 15, y की वैल्यू क्या हो गई, 15। अगर हम लोग x की वैल्यू यहाँ पे सपोज पुट कर रहे हैं 25, तो 25 प्लस 5 हमारे पास y की वैल्यू क्या हो गई, 30। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये x, ये जो x है इसकी वैल्यू जैसे पुट कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या मिल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे y की वैल्यू मिल रही है। यानी ये भी तो कह सकते हैं
कि वाई जो है वो डिपेंडेंट है एक्स पे, ठीक है, वाई जो है डिपेंडेंट है एक्स पे, यानी एक्स की वैल्यू ही क्या देगी, वाई की वैल्यू देगी, एक्स की जो वैल्यू होगी उसी के अकॉर्डिंग, उसी के रिस्पेक्ट में हमें वाई मिलेगा। तो इसी तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि वाई जो है, वाई इज इक्वल टू हमने लिख दिया एफ एक्स, और इसको कहा कि फंक्शन ऑफ, ठीक है, वाई जो है फंक्शन है, वाई जो है फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वाई और एक्स के बीच में रिलेशन डेवलप हो गया, और यही हमने क्या लिया था, एक बार वाई इज इक्वल टू लिया था, ये जो एफ एक्स बता रहे हैं यही तो हमने लिया था एक बार एक्स स्क्वायर, और इसी चीज़ को एक बार हमने लिया था वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू हमने क्या कंसीडर की थी, एक्स प्लस फाइव। तो इन दोनों ही केसेस से आप अगर देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्स की वैल्यू पे ही वाई डिपेंड कर रहा है, यानी कि वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। क्लियर है, वाई क्या है, फंक्शन है एक्स का। क्लियर। तो अब बात आती है कि हमें ये स्टडी क्यों करना है, तो स्टडी करने के लिए हम इसका एक दो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं फिजिक्स से रिलेटेड, ठीक है, फिजिक्स से रिलेटेड इसके एक दो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हमें क्यों इस टॉपिक को स्टडी करना है, ठीक है, क्यों इस टॉपिक को स्टडी करना है। सपोज आपने एक चीज तो पढ़ी है ना, अगर हम लोग फोर्स की बात करें, ठीक है, तो फोर्स होती क्या है, एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। किसी भी बॉडी का मास तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, किसी भी बॉडी का मास तो फिक्स है, लेकिन फोर्स की वैल्यू घटने बढ़ने के पीछे क्या रीजन हो सकता है, अगर हम एक्सेलरेशन को बढ़ाएं, ठीक है, तो अगर मास कांस्टेंट है तो अगर एक्सेलरेशन को बढ़ा रहे हो तो फोर्स ज़्यादा दिखेगी उसके रिस्पेक्ट में, है ना। अगर हम लोग एक्सेलरेशन को डिक्रीज करें तो फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज करती हुई दिखेगी, होगा कि नहीं होगा। या ये कह सकते हैं कि अगर हमें एक कार को राइड कर रहे हैं, ठीक है, एक कार को राइड कर रहे हैं, तो क्या होगा कि कार को अगर हमें बहुत तेज़ी से दौड़ाना है, रन कराना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका एक्सेलरेशन बढ़ाते हैं। जब एक्सेलरेट करते हैं तो कार का मास तो फिक्स है, लेकिन एक्सेलरेट करने पे इंजन को ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्यों, कार को ज़्यादा फोर्स देने के लिए, ताकि वो ज़्यादा तेज़ी से मूव कर सके। तो यानी कि अगर हमें उसे एक्सेलरेट करना है तेज़ी से तो हमें फोर्स ज़्यादा देनी पड़ेगी। या ये कह लो कि अगर जो है किसी चीज़ का एक्सेलरेशन बढ़ा रहे हैं तो फोर्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन किसी का डिक्रीज कर रहे हैं तो फोर्स की नीड भी कम हो रही है, ठीक। इसी बात को हम लोग देखो एक और तरीके से कह सकते हैं कि किसी चीज़ का एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा था, ठीक है, किसी चीज़ का एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा था तो उसे रोकने के लिए फोर्स भी बहुत ज़्यादा चाहिए, किसी चीज़ का एक्सेलरेशन कम था तो उसे रोकने के लिए फोर्स भी कम चाहिए। दैट मीन्स कि यहाँ से अगर देखो तो ए और फोर्स, एक्सेलरेशन और फोर्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है, अगर फोर्स की बात की जाए तो फोर्स अभी किस पे डिपेंड कर रही है, एक्सेलरेशन पे। अगर गाड़ी बहुत तेज़ चल रही है और उसे ब्रेक लगा के रोकना है तो सीधी सी बात है कितना एक्सेलरेशन है उस कार का उस पे डिपेंड करेगा कितनी ज़्यादा फोर्स हमें चाहिए, है ना। तो यानी कि क्या हो गया, ये रिलेशन भी एक तरह का फंक्शन है। अगर हमसे कहे फोर्स तो फोर्स इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कह सकते हैं इसे हम लोग, फोर्स इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। इसी तरीके से एक और अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की, अगर हम लोग बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक, तो बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे बॉडी ये क्या है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है किसी भी चीज़ का वो बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे हम लोग अर्थ से ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इंक्रीज करता है। कब इंक्रीज करता है, हाइट के इंक्रीज करने पर, हाइट के इंक्रीज करने पर। तो अगर हम लोग लिखें तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, वो क्या है, फंक्शन है हाइट का। बॉइलिंग पॉइंट इज अ फंक्शन ऑफ हाइट लिख सकते हैं। तो ये क्या है, अगर इसी को कि कैसे जिस 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 तरीके से हाइट बढ़ रही है उसी के अकॉर्डिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, चेंज होगा। तो ये भी क्या है, फंक्शन है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। और क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा है, तो वो डिपेंड कर रहा है हाइट पे, ठीक है।
तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप्स होंगे फिजिक्स के अंदर, जो कि हमें फंक्शंस के फॉर्म में मिलेंगे। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस बनाएंगे, वहाँ पे भी क्या होगा, जो हमारा रिजल्ट होगा वो हमारी दूसरी क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है। तो वो क्या है, हमारे फंक्शंस ही हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें फंक्शंस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना इतना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि फंक्शन से ही हम ये समझ सकते हैं कि, ठीक है, किसी भी, जो अगर हम लोग किसी भी कंसेप्ट की बात कर रहे हैं फिजिक्स में, तो कैसे वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, जो रिलेशनशिप है। क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट के साथ साथ वेरिएबल्स को भी यूज़ किया जाता है, तो कैसे ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। और इसी जो फंक्शंस की बात की, इन्हीं फंक्शंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें एक चीज़ देखने को मिलेगी जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है अभी, और वो है क्या, ग्राफ। ग्राफ्स, अगर हम लोग बात करें ग्राफ्स की, तो ग्राफ्स हमेशा किसी फंक्शन के लिए ही बनेंगे। कांस्टेंट वैल्यू के लिए तो ग्राफ कोई मतलब ही नहीं है, है ना। ग्राफ तो बना सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू है, हमने एक लाइन खींच दी, ठीक है। लेकिन जब फंक्शंस की बात आएगी, तो फंक्शंस के केस में हमारा ग्राफ की एक इम्पॉर्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे हम उसे स्टडी करेंगे, अगर हम लोग फंक्शंस के बारे में बात करें तो कैसे। सपोज करो हमने एक फंक्शन लिखा y इज इक्वल टू एफ एक्स, सपोज करो हमने लिखा y इज इक्वल टू एफ एक्स, और हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, एक जो फंक्शन था हमारा वो x, ठीक है। सपोज करो ये x फंक्शन जो है हमारा वो x है। तो अगर हम लोग ग्राफ बनाए, तो ये आपने 10th में स्टडी किया है, ठीक है, ये जो x एक्सिस है इसे कहते हैं एब्सीसा, क्या कहते हैं, एब्सीसा, और ये जो y एक्सिस है इसे कहते हैं हम लोग ऑर्डिनेट, ठीक है, ये तो आप अच्छे से जानते होंगे। अब अगर आप देखो तो y और x एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x के लिए डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y भी मिलेंगी। तो अगर हम इनकी वैल्यूज देखें तो, और इनको पुट करें, तो देखो यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे y चेंज होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड हैं, और इसकी पावर क्या है, 1, ठीक है। पावर क्या है, 1, यानी ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अभी एलजेब्रा पढ़ते समय हम लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। अभी ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसकी पावर क्या है, 1। यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है, इसीलिए एक लीनियर इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर इसमें और कुछ तो है नहीं, तो ये इक्वेशन कैसे है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी इसको समझो कि जैसे जैसे एक्स की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे वाई की वैल्यू भी चेंज होगी। तो अगर इसके लिए हम लोग ग्राफ बनाए, तो कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, क्योंकि x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू हमें मिलती चली जाएगी, और हम इसके लिए ग्राफ बनाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, कुछ स्लोप बनाता हुआ ग्राफ मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, क्योंकि वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पे ये तो इजी था, है ना, ये तो इजी था, लेकिन यहाँ पे ग्राफ बनाना जो है टफ नहीं है, लेकिन ग्राफ की स्टडी करना टफ है, ठीक है। ग्राफ को कैसे स्टडी करेंगे, ठीक। तो हम लोगों ने यहाँ पे, अगर ये लाइन देखो, तो ये लाइन कैसी है आपको अगर दिखे, तो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ना। तो ऐसा करते हैं हम लोग इन लाइंस के ही शेप्स के अकॉर्डिंग, कि कोई लाइन अगर स्ट्रेट है तो कैसे उसका ग्राफ की स्टडी की जाएगी, अगर लाइन कर्व्ड है तो कैसा ग्राफ होगा, अगर लाइन, ठीक है, एक क्लोज फिगर बन रही है, लाइन से मिलकर एक क्लोज फिगर बन रहा है, तो कैसा उसका ग्राफ होगा, ठीक है। तो उसको स्टडी करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग स्टडी कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक। स्ट्रेट लाइन ग्राफ में आपने देखा होगा, मोस्टली अगर हम लोग बात करें तो देखो, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। सपोज करो ये हमारा एक ग्राफ है, ठीक है, इस तरीके से इसको हमने कट कर दिया, ठीक। अब हमें ये पता है कि स्ट्रेट लाइन के लिए, आप लोगों ने स्टडी किया है कि स्ट्रेट लाइन के लिए जो इक्वेशन होती है ग्राफ की, वो क्या होती है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब बात आती है कि ये एम क्या है, ये सी क्या है, क्योंकि हमें ये तो पता है कि वाई और एक्स, ये तो हमें पता है कि वाई क्या है, एक वेरिएबल है, एक्स भी एक वेरिएबल है। तो यहाँ पे दो चीज़ें और भी दिख रही हैं, एक है एम और एक है सी। क्या ये कोई कांस्टेंट है या इनका भी कोई मीन है इस इक्वेशन के अंदर? तो याद रखना कि ये जो m है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है हमारी इक्वेशन के अंदर, वो है ये कि ये m जो है ये कहलाता है स्लोप। स्लोप, स्लोप मतलब कि जो ये हमारी लाइन बनी है, ठीक है, ये ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्लोप,
ठीक, ये लाइन हमारी एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, ये एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन कितना एंगल बना रही है, दैट इज कॉल्ड स्लोप। ठीक, अब बात आती है यहाँ पे एक और पॉइंट हमारे पास मौजूद है ये, ठीक है, ये चीज़ क्या है, तो इसकी बात करें तो इसे कहते हैं इंटरसेप्ट, इसे कहते हैं बच्चों हम लोग इंटरसेप्ट। अब बात आती है इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट देखो क्या होता है, अगर लाइन, ठीक है, इस इक्वेशन में अगर बात करें तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे लाइन देखो कहाँ पे है, इस लाइन की अगर बात करो तो ये जो हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, इसको क्या किया इसने, इसको क्या किया, इसको सपोज करो ये ओरिजिन जो पॉइंट था, ये ओरिजिन पॉइंट था, इससे इसने कुछ दूरी पे कट किया है, ठीक है, इसको इसने क्या किया, कुछ दूरी पे कट किया है। इसी तरीके से अगर ये लाइन यहाँ से ऐसे पास होती तो ये वाई एक्सिस पे कहीं कुछ दूरी पे कट करती, है ना, ठीक है, अगर ये सपोज करो यहाँ नीचे से पास होती तो ये वाई एक्सिस पे कुछ दूरी पे कट करती, अगर ये लाइन सपोज करो ऐसे पास होती, ठीक है, तो ये क्या कर रही है, ये यहाँ पे भी कुछ दूरी पे कट कर रही है, यहाँ पे भी कुछ दूरी पे कट कर रही है, तो ओरिजिन से कितनी दूरी पे, किस पॉइंट से, ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस से वो लाइन पास हो रही है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट, दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। ठीक है, इसको और अच्छे से देखते हैं, ठीक है, इसको और अच्छे से देखते हैं थोड़ा, सपोज करो ठीक है ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ओरिजिन है, अब ये लाइन ऐसे कट कर रही है, ठीक है, अगर ये लाइन ऐसे कट कर रही है तो ये जो है, ठीक है, ये है हमारा स्लोप, ये क्या है, स्लोप, और याद रखिएगा ये जो स्लोप है, ठीक है, ये एम से यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर एम से डिनोट किया गया है, और क्योंकि ये स्लोप क्या है, कुछ तो एंगल बना रहा है ना एक्स एक्सिस के साथ, तो इस स्लोप को या इस एम को हम लोग लिखते हैं टेन थीटा, टेन थीटा, जितना एंगल इसने बनाया है, जितना एंगल इसने बनाया है, ठीक है, वो एंगल टेन थीटा, ठीक है, यहाँ पे टेन थीटा के टर्म्स में उसे हम लोग यहाँ पे लेते हैं, वो हमें क्या देता है, स्लोप देता है कि लाइन हमारी, ठीक है, लाइन हमारी क्या है, वो कितना एंगल बना रही है, जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ किया है, वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ठीक है, वो बताने का काम करता है यहाँ पे ये, ठीक है, ये स्लोप बताने का काम करता है, और साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें देखो कि ये स्लोप जो है, ठीक है, वो अब हम लोग क्योंकि वाई वाई के अलोंग जो है देख रहे हैं ना कि वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन है, तो यहाँ पे ये जो चीज़ है दिस इज कॉल्ड, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ सी, और यही क्या है, इंटरसेप्ट, यही क्या है, इंटरसेप्ट है, ठीक है, यही क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है बच्चों, ठीक है, कि लाइन जो है जो पास हो रही है वो हमारी वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, ऊपर कट कर रही है या नीचे कट कर रही है, ऊपर कट कर रही है तो सी की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, नीचे कट कर रही होती तो सी की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे इस स्ट्रेट लाइन के सारे बारे में हमने स्टडी कर लिया काफ़ी कुछ, ठीक है, एक दो एग्जाम्पल इसके और देखेंगे, लेकिन अब देखो यहाँ पे हमें बात करनी है कि ये स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है, तो कैसा होगा पॉजिटिव, कैसा होगा नेगेटिव, ठीक है, तो याद रखना कि स्लोप की वैल्यू यहाँ लिखते हैं, स्लोप की बात करें तो, ठीक है, स्लोप पॉजिटिव कब होता है, तो स्लोप पॉजिटिव जब होगा जब ये जो थीटा है इसकी वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होगी, तो अगर इस केस में देखो तो स्लोप क्या है, देखो 90 डिग्री तो ऐसा कुछ बनेगा ना, यहाँ पे इसका कुछ 90 डिग्री तो ऐसा बनेगा, ठीक, लेकिन यहाँ पे देखो तो अगर थीटा की वैल्यू देखी जाए तो 90 से तो कम बनती हुई दिखाई दे रही है, तो इस केस में जो स्लोप की वैल्यू होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव स्लोप बनेगा, लेकिन अगर अगर हम लोग बात करें स्लोप की नेगेटिव होने की, किसकी, नेगेटिव होने की, तो नेगेटिव कब हो जाएगा, नेगेटिव जब होगा जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाए, यानी अगर सपोज करो, अगर सपोज करो ग्राफ कुछ हमारा ऐसा बनता, ये ओरिजिन है, ठीक, ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होता, ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होता, उस केस में जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा लेते, तो इस केस में देखो अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके देखें तो यहाँ पे क्या है, थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा जा रही है,
और जब 90 से ज़्यादा जाएगी थीटा की वैल्यू तो उस केस में हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि लाइन कैसी बन रही है। अगर स्लोप 90 से कम है तो क्या हो गया, थीटा 90 से कम है तो स्लोप पॉजिटिव, और 90 से ज़्यादा है तो स्लोप नेगेटिव। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम लोग यहाँ पे स्लोप के बारे में समझ गए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं, ये इंटरसेप्ट पॉजिटिव और नेगेटिव होने पे क्या होगा। ठीक है, तो अब देखो इंटरसेप्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने पॉजिटिव इंटरसेप्ट और नेगेटिव इंटरसेप्ट में डिफरेंशिएशन करना है कि अगर हमसे कहा गया इंटरसेप्ट कैसे देखोगे, ओरिजिन एक्स वाई, बार बार वही कहानी। ठीक है, अगर सपोज करो ये लाइन ऐसे कट कर रही है तो ये क्या हो गया, अगर यहाँ पे देखा जाए तो सी की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव, सी की वैल्यू पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स के ऊपर जा रही है तो यहाँ पे सी की वैल्यू पॉजिटिव। लेकिन अगर यही लाइन, ठीक है, अगर यही लाइन यहाँ से पास होती, सपोज करो ये लाइन यहाँ से पास होती तो उस केस में, ठीक है, उस केस में हमसे अगर पूछा जाए तो उस केस में क्या हो गया, सी की वैल्यू कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है, यानी नेगेटिव है। किसकी वैल्यू, सी की वैल्यू, और सी की वैल्यू नेगेटिव है तो वो क्या हो गया, नेगेटिव इंटरसेप्ट। तो इक्वेशन इसके लिए तो क्या है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लेकिन इसके लिए अगर हम लोग लिखते हैं तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। ठीक है, याद रखना, ये हो जाती है हमारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो अगर हम लोग बात करें तो अगर कहीं पर भी आपको y और x एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड दिखाई देंगे तो हमेशा ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही बनेगा। अगर यहाँ पे कोई इंटरसेप्ट है तब तो वहाँ पे इंटरसेप्ट शो करोगे, अगर इंटरसेप्ट का टर्म नहीं है तो उस केस में हमेशा वो लाइन कहाँ से स्टार्ट होगी, ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। अगर हम लोग बात करें ओम्स लॉ की, ओम्स लॉ की है ना, ओम्स लॉ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो देखिए आपने स्टडी कर रखा है ओम्स लॉ में। ओम्स लॉ में हम लोग क्या करते थे, वी इज इक्वल टू आई आर लिखते थे, v इज इक्वल टू आई आर लिखते थे। और जब इसके लिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते थे तो हमने यहाँ पे स्टडी भी किया है कि ये v है, ये i है, ये ओरिजिन है। तो हमें हमेशा क्या, क्योंकि देखो यहाँ इसके साथ कोई, यहाँ पे ये एक वेरिएबल है, ये करंट एक वेरिएबल है, r एक कांस्टेंट है। तो जैसे जैसे करंट क्या है, क्या है, करंट और पोटेंशियल एक दूसरे से रिलेटेड है, तो विद द चेंज इन करंट v विल चेंज, या विद द चेंज इन v i विल चेंज। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ठीक है, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बन रहा है, कैसा, डायरेक्ट का। और पावर क्या है, यहाँ पे इनकी वन है। तो अगर इनका ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ स्ट्रेट लाइन बनेगा। और यहाँ पे देखो क्योंकि इनके पास कोई इंटरसेप्ट नहीं था इसीलिए ओरिजिन से स्टार्ट हुए, इंटरसेप्ट होता तो शायद ये ऊपर या नीचे से कहीं स्टार्ट होते। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको यहाँ पे यूज़ करना है। बहुत सारी जगहों पे आपको इस तरह की इक्वेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये था हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ का कॉन्सेप्ट। अभी अगर हम लोग बात करें, सपोज करो अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इस ग्राफ की, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो कहा जाए तो क्या ये एक्स एक्सिस जो है, ये एक्स एक्सिस क्या ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, है, ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है तो मतलब क्या, देखो ओरिजिन है, ओरिजिन से ये एक्स एक्सिस पास हो रही है, दैट मीन्स इसके पास इंटरसेप्ट तो कोई नहीं है, है ना। और अगर इसके लिए देखा जाए तो अगर इसकी इक्वेशन लिखी जाए तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का, एम एक्स प्लस सी में तो c वाला टर्म तो खत्म हो गया है, तो c तो यहाँ कुछ है ही नहीं, इंटरसेप्ट जैसा कोई चीज़ है ही नहीं। ठीक, स्लोप है ही नहीं क्योंकि x के साथ कोई, ये लाइन खुद के साथ थोड़ी ना स्लोप बना रही है, तो स्लोप वाला टर्म भी यहाँ पे क्या है, वन। अब बात आती है कि अगर ये x एक्सिस पे ही लाइन पूरी लाई कर रही है तो क्या होगा, यानी कि इसके लिए y की वैल्यू सारी क्या हो जाएगी, ज़ीरो, y की वैल्यू ज़ीरो। यानी अगर x एक्सिस के लिए हम लोग देखें तो y की वैल्यू ज़ीरो, और इसी तरीके से y एक्सिस के लिए देखें तो यहाँ पे x एक्सिस, x क्या है, x कोऑर्डिनेट सारे ज़ीरो हो जाएंगे। तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, x भी है, y भी, दोनों स्ट्रेट लाइन है। लेकिन जब y की बात करेंगे, y एक्सिस की, तो उसके लिए x कोऑर्डिनेट ज़ीरो, और जब x एक्सिस की बात करेंगे तो y कोऑर्डिनेट ज़ीरो। ठीक, सपोज करो, ठीक है, हम लोगों ने मोशन, क्लास नाइन्थ में मोशन में स्टडी किया था कि एक लाइन ऐसे इसके पैरेलल होती थी,
ठीक है, जिसे हम लोग कॉन्स्टेंट कहते थे, ठीक है, कि ये कॉन्स्टेंट को रिप्रेजेंट करती है। अब देखो यहाँ पे अगर देखो ये कुछ ऊपर से पास हो रही है ना, यानी है तो इसके पास इंटरसेप्ट, सपोज करो इसका इंटरसेप्ट कुछ हो गया सी, ठीक है, लेकिन इसके पास क्या स्लोप है, तो स्लोप नहीं है। अगर स्लोप नहीं है तो वाई इज इक्वल टू क्या सी, क्यों, क्योंकि एक्स भाई वेरिएबल अगर होता यहाँ पे, अगर वेरिएबल क्वांटिटी कोई होती तो स्लोप बनता भी। अब जब वेरिएबल यहाँ स्लोप ही नहीं है, स्लोप नहीं है तो वेरिएबल वाला टर्म तो खत्म, और वेरिएबल वाला टर्म खत्म तो ये कैसा ग्राफ हो गया, किसी कॉन्स्टेंट के लिए ग्राफ बनेगा, किसके लिए ग्राफ बनेगा, कॉन्स्टेंट। यानी यहाँ पे अगर इसके लिए हम लोग बात करें तो जो वाई है, वाई की वैल्यू क्या रहनी है, हमेशा कॉन्स्टेंट रहनी है, एक फिक्स्ड वैल्यू से चलेगा वो, ठीक है। अगर इसी तरीके से अगर वाई एक्सिस के पैरेलल ग्राफ बनता तो वहाँ पे एक्स की वैल्यू कॉन्स्टेंट दिखाई देती, ठीक है। तो ये हुई बात हमारी किसके लिए, ये थी बात हमारी स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए। इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे, ठीक है, दो और चीज़ों की जो अब आप लोग पढ़ोगे 11th क्लास में आके। सेकेंड है हमारा पैराबोला, और थर्ड है हमारा हाइपरबोला। पैराबोला एंड हाइपरबोला याद रखना, जब भी हम लोग y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n के लिए बात करें और n में भी वैल्यू क्या हो, 2 हो, ठीक है, या बेसिकली 2, 3 कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर हम लोग स्पेशली बात कर रहे हैं n की वैल्यू 2 के लिए, तो ये क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो या तो इसका जो कर्व बनेगा वो ऐसा बनेगा, या तो कर्व ऐसा बनेगा, या तो कर्व ऐसा बनेगा, कुछ भी बन सकता है, लेकिन ये कर्व कैसा होगा, इस तरीके का होगा, यानी कि सेमी सर्कल जैसा होगा। कैसा होगा, सेमी सर्कल जैसा होगा, या तो वो ऊपर की तरफ मुँह खुला होगा, या नीचे की तरफ मुँह खुला होगा, या राइट की तरफ मुँह खुला होगा, या लेफ्ट की तरफ मुँह खुला होगा, ठीक है। तो इस तरीके के बनने वाले जो कर्व होते हैं, दोज आर कॉल्ड पैराबोला, दोज आर कॉल्ड पैराबोला। यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग n के लिए सपोज करो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएं, तो वो ग्राफ हमें जो मिलेगा वो कुछ कर्व्ड ग्राफ मिलेगा, जिसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से वैरी करती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक पैराबोला है, क्या है ये, एक पैराबोला, क्या है ये, पैराबोला, ठीक। अब यहाँ पर भी कंडीशन है कि पैराबोला के समय पे, ठीक है, पैराबोला के समय पे यहाँ पे अगर हम लोग सपोज बात करते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं, अगर हम लोग एक इक्वेशन इधर लिखते हैं, ठीक है, वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारी कोई इक्वेशन है। तो यहाँ सब देखो बच्चों, यहाँ पे ये बी और यहाँ पे ये सी, इन दोनों की वैल्यू जीरो हो सकती है, बट ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। क्यों नहीं जीरो होगी ए की वैल्यू, क्योंकि अगर ए की वैल्यू जीरो हो गई तो ये पूरा टर्म जीरो, और अगर ये टर्म जीरो तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई ना, ये तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई। तो हमें तो स्ट्रेट लाइन ही, हमें तो बात करनी है पैराबोला की, तो पैराबोला के लिए हमेशा याद रखना कि बी और सी कैन बी जीरो बट ए कैन नॉट बी जीरो, ठीक है, ए जीरो नहीं होना चाहिए और ए जीरो नहीं है। तो अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो पैराबोला का डायरेक्शन कैसा होगा, पैराबोला जो उसका माउथ है, उसका फेस है, वो अपवर्ड की तरफ खुलेगा, और अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है तो पैराबोला का जो फेस है वो नीचे की तरफ खुलेगा, ठीक है, कहाँ की तरफ खुलेगा, नीचे की तरफ खुलेगा। अगर हम लोग एक इक्वेशन देखें, ठीक है, अगर हम लोग इक्वेशन देखें तो कौन सी इक्वेशन, यहाँ पे आप लोगों ने स्टडी किया था x इज इक्वल टू यू टी, ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को ऊपर फेंक रहे हैं तो क्या होता है, x इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो अगर इसमें इस टर्म की बात करें तो ये टर्म कुछ वैसे ही दिख रही है पैराबोला के लिए, क्योंकि स्क्वायर लग गया, टी है, एक्स किस पे डिपेंडेंट है, ये पूरा फंक्शन है, एक्स किसका फंक्शन हो गया, टाइम का, क्योंकि टाइम पे डिपेंड कर रहा है एक्स। अब अगर इसके लिए हम लोग ग्राफ बनाए तो यहाँ देखो, यहाँ पे अगर ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ जो क्वांटिटी मल्टीपल में है वो नेगेटिव है, यहाँ पे नहीं देखना है, यहाँ पे देखना है, अगर ग्राफ हम बना रहे हैं, ये वेरिएबल है और इसके साथ जो क्वांटिटी मल्टीपल में है वो क्वांटिटी कैसी है, नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, पैराबोला का फेस डाउनवर्ड होगा, अगर वो क्या है, पॉजिटिव है तो फेस कैसा होगा, अपवर्ड होगा, याद रखना इस चीज़ को। तो ये बात हुई हमारी पैराबोला की।
इसी तरीके से जब हम लोग बात करते हैं हाइपरबोला, हाइपरबोला की, तो हाइपरबोला के लिए याद रखना जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वाई इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स टू द पावर एन का टर्म। यानी कि वाई और एक्स एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होते हैं, इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। यानी अगर एक्स की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इस टर्म की, इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी, इसकी वैल्यू बढ़ाने पर इसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी, ठीक है। और इसकी वैल्यू कैसे बढ़ेगी, अगर इसकी वैल्यू बढ़ाना है तो हम एन की वैल्यू बढ़ाएंगे। भाई हमारे पास यहाँ पे वन है तो वन का स्क्वायर वन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर सपोज करो एन टू है, ठीक है, और एक्स टू है, तो टू टू दी पावर फोर, ठीक, टू टू दी पावर फोर। अगर यहाँ एन की वैल्यू थ्री है, टू टू जा फोर टू जा एट, तो यहाँ जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी इस टर्म की वैल्यू बढ़ेगी और इस टर्म की वैल्यू बढ़ेगी तो ये डिक्रीज करेगा। तो इसके लिए जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं बच्चों, तो इसके लिए ग्राफ कुछ हमारा कुछ ऐसा बनता है, एक दूसरे से उल्टा बनता है, ठीक है। ग्राफ कुछ हमारा ऐसा बनता है, ठीक, इस चीज़ को याद रखना कि ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो जैसे हमारी x की वैल्यू, ठीक है, बढ़ रही है, उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे y क्या होगा, डिक्रीज करता चला जाएगा, ठीक। x की वैल्यू जैसे जैसे ये बढ़ेगी वैसे वैसे y की वैल्यू डिक्रीज करेगी, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब हमारी x की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। जब x की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, ठीक है, x की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो y की वैल्यू जीरो हो जाएगी। जब x की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो y की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और यहाँ पे अगर इसको ऐसे देखें तो जब y की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो x की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है, याद रखना। तो ये है रिलेशन किसके लिए, हाइपरबोला के लिए, जहाँ पे जो है जब भी क्वांटिटीज़ आपस में एक दूसरे के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन शो करती हैं, ठीक है, तब वो क्या होता है, वहाँ पर कौन सा ग्राफ बनता है, हाइपरबोला का। सपोज़ करो अगर आपने जो है ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पर फोर्स जो होती थी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती थी आर स्क्वायर के। यानी डिस्टेंस के बढ़ने पे आपने देखा भी था फोर्स डिक्रीज कर रही थी, डिस्टेंस के बढ़ने पे फोर्स डिक्रीज कर रही थी। तो ये भी कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ही रिलेशन होता है। ये रिलेशन क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और इसके लिए भी जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ कैसा मिलेगा आपको, हाइपरबोला मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है हमारा, ये बहुत कम यूज़ होती है, ठीक है, फोर्थ जो चीज़ है वो है एलिप्स। फोर्थ चीज़ जो है वो है एलिप्स। अब बात आती है एलिप्स क्या होता है, तो आपने देखा होगा ना, कहते हैं ना कि सन जो है वो, ठीक है, सन जो है वो अर्थ के चारों तरफ कैसे घूमता है, तो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। कैसे घूमता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में, ठीक। ये एक्सिस जो है वो कहलाती है मेजर एक्सिस, ये कहलाती है मेजर एक्सिस, ठीक है, और ये कहलाती है माइनर एक्सिस, ठीक। ये है माइनर एक्सिस, ये है मेजर एक्सिस, ठीक। तो जब भी हम लोग बात करते हैं, इसे ले लेंगे हम लोग ए, ठीक है, ये ले लेंगे बी, ठीक है, ए एंड बी, ठीक। लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, ये पूरी मेजर एक्सिस है, इसका हाफ सेमी कहलाएगा, इसका हाफ सेमी कहलाएगा। तो सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ, ठीक। तो अब अगर हम लोग इलिप्स की इक्वेशन लिखते हैं तो ये क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ये होती है एलिप्स की इक्वेशन। और अगर हमसे कहता है कि सर्कल की इक्वेशन बताओ, तो सर्कल की इक्वेशन क्या, अगर भाई आप खुद सोचो, यहाँ से ए और बी दोनों बराबर हो जाए तो क्या होगा, अगर ए और बी दोनों बराबर हो जाए तो ये पूरा का पूरा एक सर्कल हो जाएगा। तो अगर हम लोग सर्कल की बात करें, ठीक है, सर्कल की बात करें, तो अगर यहाँ पर भी मान लो आर है और यहाँ पर भी आर है, ठीक है, तो a और b की वैल्यू बराबर है। सपोज a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू r, तो हमारे पास जो इक्वेशन अब बनेगी वो कैसी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, ये हो गया हमारा सर्कल। तो ये थे हमारे कुछ ग्राफ, ठीक है, ये थे कुछ ग्राफ जो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में फिजिक्स में देखने को मिलते रहेंगे, जिनमें से जो फर्स्ट थ्री ग्राफ हम लोगों ने बात की है वो हमारे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ग्राफ होते हैं, ठीक है। आज का हमारा थर्ड और लास्ट टॉपिक जो है मैथमेटिकल टूल का, वो है एलजेब्रा, ठीक है, एलजेब्रा। इसमें हमें दो तरह की बेसिकली इक्वेशंस की बात करनी है, एक होंगी लीनियर,
एक होंगी लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, और दूसरी क्या होंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज लीनियर इक्वेशंस या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करते हैं। तो लीनियर इक्वेशंस होती क्या है, जब भी ऐसी इक्वेशन, ठीक है, सपोज करो लिखा हुआ है, वही हम लोग स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन यूज करते हैं, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अगर इस इक्वेशन में देखो तो ये वेरिएबल है और इसकी पावर क्या है, वन, पावर इज वन। तो अगर किसी भी इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में पावर क्या है, वन है, तो वो क्या कहलाती है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इन एनी इक्वेशन वेयर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज वन, ठीक है, वेरिएबल मैक्सिमम पावर जो होगी अगर वहां पे वो क्या है, वन, तो क्या हो जाएगा, वो हमारी कैसी इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन होगी। सपोज करो कि हमारे पास इक्वेशन दिया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहां अगर देखो ये वेरिएबल और दोनों ही वेरिएबल्स की अगर हम लोग बात करें तो दोनों की मैक्सिमम पावर कितनी है, वन। मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर इज वन, ठीक है ना, मैक्सिमम पावर इज वन, मैक्सिमम पावर वन है, यानी कि ये कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। तो आपको जब भी सॉल्व करने को मिलेंगी तो या तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो ऐसी होगी कि लिखा हुआ है आपको ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो आएगी कंडीशन। तो आपसे कहा गया ऐसी कोई इक्वेशन मिली है और आपसे कहा गया एक्स निकालो, तो आप कैसे एक्स निकालोगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, सीधे सीधे बता दोगे एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, आ गई एक्स की वैल्यू, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास, अब अगर आपके पास क्या है, एक से ज़्यादा वेरिएबल आ गए, ठीक है, अगर आपके पास एक से ज़्यादा वेरिएबल आ गए, सपोज करो हमारे पास एक इक्वेशन ली है, लिखी हुई है 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, और एक और जो है हमारे पास, क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं, तो याद रखना दो वेरिएबल्स हैं तो कम से कम दो इक्वेशंस चाहिए होंगी। अगर दो वेरिएबल्स हैं और दोनों को सॉल्व करके अगर हमको क्या निकालना है, इनकी वैल्यूज़ निकालनी है, तो एटलीस्ट वी रिक्वायर टू इक्वेशंस, ठीक है। तो दो इक्वेशन है, सपोज करो एक इक्वेशन हो गई 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो और दूसरी इक्वेशन हो गई 3x प्लस 5y प्लस या माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास दो इक्वेशंस हो गई। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करने के बाद, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद ही हम x और y की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो आपको जो कंडीशन याद रखनी है वो ये कि फॉर टू वेरिएबल्स, ठीक है, वी नीड टू इक्वेशंस, ठीक है। अगर इसी तरीके से, अगर हमारे पास इसी तरीके से सपोज करो कि जो कितनी होती वेरिएबल्स, कितने हो जाते, अगर हमारे पास थ्री वेरिएबल्स होते तो फॉर थ्री वेरिएबल्स, ठीक है, वी नीड थ्री इक्वेशंस, ठीक है, हमें कितनी इक्वेशंस चाहिए होती, तीन इक्वेशंस चाहिए होती। तो याद रखना यहाँ पे हमारे पास दो हैं वेरिएबल्स, तो दो इक्वेशन से काम चल जाएगा। अगर इक्वेशन थ्री होती तो वेरिएबल भी थ्री होते, अगर इक्वेशन एन नंबर ऑफ होती तो हमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल अगर एन होते तो इक्वेशन भी हमें एन नंबर ऑफ चाहिए होती, चार पाँच छः जैसे वेरिएबल उतनी ही कम से कम हमें इक्वेशन चाहिए होंगी, तभी जाके हम उन वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल पाएंगे। अब इनको सॉल्व करना है तो दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स थे, बहुत सारे क्या, तीन मेथड्स थे बेसिकली, आपने क्लास टेंथ में पढ़ा था। पहला मेथड जो था वो था क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा मेथड आप लोग क्या करते थे, एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा मेथड आप लोग क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो बस आप उन तीनों में से किसी भी एक मेथड को यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। ये है हमारा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका, ठीक। एलजेब्रा में आपको या तो ये काम करना होगा बार बार, ठीक है, जहाँ पे इक्वेशंस बनेंगी, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस बनेंगी, तो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपको जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे उतनी ही इक्वेशंस आपको बनानी पड़ेंगी, और उतनी ही इक्वेशंस जब आप बनाओगे तभी आप उन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक। अब बात आती है दूसरी इक्वेशंस कौन सी होंगी अलजेब्रा में, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस।
जब भी हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, तो बच्चों याद रखिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये होती है कि यहाँ पे हमेशा वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2। सपोज़ करो हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर, तो मैक्सिमम पावर कितनी है एक्स की, 2। इस इक्वेशन में भी अगर आप देखो तो मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। अगर हमारे पास लिखा हुआ है 2x² + 3x, ठीक है, +4 = 0, तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर देखो कितनी है, 2। तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होता है एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, तो इसको फाइंड करने के लिए आपके पास दो मेथड्स हैं, या तो आप इनको फैक्टराइज कर दो और इनके फैक्टर्स निकाल लो, और दूसरा मेथड है आपके पास फैक्टर निकालने का श्रद्धाचार्य फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सपोज करो ये है हमारा ए, ये है हमारा बी और ये है हमारा सी। तो श्रद्धाचार्य फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर हमें सपोज एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा इक्वेशन, प्लस माइनस, ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो माइनस में बी प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac / 2a। इसका यूज़ करके ये समझ लो कि ये रामबाण है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ पे हमें फैक्टराइज करना इजी है नहीं, वहाँ पर भी हम लोग श्रद्धाचार्य फॉर्मूला का यूज़ करके आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने एक्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कौन सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एलजेब्रा में। और इसके अलावा जो हमें मैक्सिमम बहुत ज़्यादा बड़ी अगर इक्वेशन थोड़ा सा टिपिकल मिलेगी तो वो इक्वेशन क्यूबिक तक जा सकती है, ठीक है, क्यूबिक तक। अगर क्यूबिक इक्वेशन होंगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले एक फैक्टर निकालना पड़ेगा वैल्यू पुट कर करके, जो है कौन सा, ट्रायल एंड एरर मेथड से एक फैक्टर कम से कम निकालना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करके अपने वहाँ पे वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे। तो ये था एलजेब्रा। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री की बात नहीं की थी, ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत यूज़ होती है। जब हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स का जो बाइफर्केशन किया था वहाँ पे हम लोगों ने 6 जो चीज़ें थीं वो ऐसी चीज़ों के बारे में बात की थी जो हम लोगों को बार बार यूज़ हो रही हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री नहीं यूज़ होगी, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री क्या है, सीधे सीधे उसके फॉर्मूले यूज़ करने होते हैं हम लोगों को। तो ट्रिग्नोमेट्री को मैथमेटिकल टूल की तरह अगर यूज़ करना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले ये क्या करने, याद करने हैं। हमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं सीखना उसका, सीधे सीधे फॉर्मूले याद करने हैं हमें, sin 0, sin 45, sin 30, sin 60, sin 90, sin 180, इनकी वैल्यूज़ याद कर लेनी है। अगर ये हमें याद है तो हम आसानी से ट्रिग्नोमेट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री ये क्या चीज़ है, ये हमारा चौथा चीज़ होगा जिसके बारे में हमने वहाँ पे बाइफर्केशन में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूले हैं, यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ हैं जिनको हमें याद कर लेना है और हम आराम से फिजिक्स को सॉल्व कर लेंगे ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन, जहाँ पे हम लोगों ने मैथमेटिकल टूल का जो पार्ट 1 था, पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अपने किन किन चीज़ों के बारे में, हम लोगों ने डिस्कस किया फंक्शंस क्या होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है फंक्शन की, कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोगों ने ग्राफ के बारे में स्टडी कर लिया, हम लोगों ने अलजेब्रा देख लिया, हम लोगों ने एक और ऐसी चीज़ जो सीधे सीधे हमें जो है सिर्फ और सिर्फ याद करनी है, अब इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं वो बोर्ड पे लिखे नहीं जा सकते, ठीक है, आप जब यूज़ करते रहोगे तो आपको वो फॉर्मूले वो वैल्यूज़ याद होती जाएंगी, तो इनको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम लोग क्वेश्चन करते समय या डेरिवेशन करते समय ही स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो ये था आज का पूरा डिस्कशन अबाउट मैथमेटिकल टूल्स। हम लोग मैथमेटिकल टूल के सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और व्हाट, लॉगरिथम, क्योंकि ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको 11th, 12th और आपका फ्यूचर जो भी, जब तक आप पढ़ाई करते रहोगे, आप अगर साइंस की फील्ड से जुड़े हुए हो तो आपको ये चीज़ें कहीं ना कहीं पे मिलती रहेंगी। तो आज
इतना कंटेंट डिस्कस किया, इसमें कहीं पर भी आपको कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आए, आप कमेंट कर सकते हो। आप कमेंट में जो अपना जो भी डाउट है या जो भी अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ प्लीज़ लास्ट में ही सही, लेकिन आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये हमारा कंटेंट मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी जो है मोटिवेट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। सो इसी के साथ विदा लेते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।